कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पक्षियों के लिए दाना पानी पार्क का उद्घाटन किया और कहा कि बल्लभगढ़ में पहला दाना पानी पार्क पक्षियों के लिए बनाया गया है। ये पार्क लगभग 25 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है और वहीं उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज नववर्ष के मौके पर काफी अच्छी शुरुआत की। आप देख सकते हैं दाना पानी पार्क की शुरुआत की गई, यहाँ पर पानी भी रखा गया और साथ ही दाना डालने की जगह जो वो बनाई गई और तमाम पार्क में पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि जो शहर के गणमान्य लोग हैं वो यहाँ आकर जो है पक्षियों के लिए दाना रख सकें और कहीं ना कहीं एक अच्छी जो है शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी या सर्दी के मौसम में पक्षियाँ इधर से उधर अपने पेट भरने के लिए दौड़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया और एक पहली ऐसी शुरुआत शहर के अंदर हुई है जिससे लोगों में भी काफ़ी खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं पक्षियों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। जान लेते हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से क्या कुछ उनका कहना है इसको लेकर। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं, पहली शुरुआत हुई, बहुत अच्छी शुरुआत आज यहाँ पर की गई है। पक्षी पर्यावरण को साफ सुंदर रखते हैं और पक्षियों का जितना व्यक्ति का हिस्सा है पर्यावरण उतना ही पक्षियों का है और ये पहला दाना पानी पार्क है जिससे पक्षी यहाँ अपना दाना पानी जो चुगने का स्थान है शहर के सभी तमाम लोग कोई दाना डालना चाहे तो यहाँ पे डालेंगे और जिससे पक्षी इधर उधर नहीं भटकेंगे क्यों पक्षी जैसे मौसम है इस समय फसल का कोई फसल है भी नहीं, इससे पक्षियों को सबसे बड़ा है कि एक स्थान पर पक्षी बैठेंगे, पूरा पेड़ है चारों तरफ तो इससे लाभ मिलेगा। नव वर्ष की शुरुआत है आज, क्या लोगों को अपील करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी का भी खतरा बना हुआ है। नहीं, जो कोविड के 2022 में की मैं नव वर्ष की सबको बधाई और इस बात की बधाई कि अभी बीमारी गई नहीं है, अभी बीमारी और तेजी के साथ है। जो केंद्र की तरफ से प्रदेश की तरफ से गाइडलाइंस है उस पर सब काम करना है, अपनी जो भी दूरियाँ बना कर रखनी है, फेस मास्क, भीड़ से बचना है, इन सबको रखना है, कार्यक्रम भी करने हैं, इन बीमारी से भी दूर रहना है। कहते हैं जीना भी है और इसके साथ सीखना भी है तो इसके साथ साथ हमें काम। कांग्रेसियों क्या सलाह देना चाहेंगे नववर्ष में? नहीं, कांग्रेस के मित्रों को भगवान सद्बुद्धि दे और जो विपक्ष की भूमिका उसको ठीक निभाएं, मर्यादा से निभाएं, झूठ से चालबाज से ना करें। कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को भी सलाह दिया कि झूठ और चालबाजियों से ना चलें और लोगों का जो सेवा करने का काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उनका भी उद्धार हो सके। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए